नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार एसटीईटी परीक्षा के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट बढ़ी। बिहार के भगोड़े शिक्षकों को के पाठक का अल्टीमेटम। राज्य में 94% गेहूं की हुई बुआई। बिहार की बेटी स्वाति मिश्रा के मुरीद हुए पीएम मोदी। चोट के बाद वापसी के लिए तैयार है हार्दिक पांड्या। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार एसटीईटी परीक्षा के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट बढ़ी। अगर आप भी बिहार एसटीईटी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, लेकिन अब तक आपने इसके लिए आवेदन नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार एसटीईटी परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। पहले जहां आवेदन करने की अंतिम तारीख 2 जनवरी 2024 तक निर्धारित की गई थी, अब उसे बढ़ाकर 7 जनवरी 2024 तक कर दी गई है। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार बिहार बीएसईबी एसटीईटी 2024 परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए वेबसाइट BSEBSTET2024.com पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। वहीं जिन उम्मीदवारों के द्वारा इसके लिए आवेदन किया जा चुका है, वह BSEBSTET.com से जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार में 400 से अधिक सीओ और अधिकारियों का होगा तबादला। बहुत जल्दी बिहार में सीओ और अधिकारियों का तबादला होने वाला है। इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा सूची तैयार कर ली गई है और इस फाइल को मुख्यमंत्री सचिवालय भेज दिया गया है। ऐसे में जैसे ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा तबादले की मंजूरी दी जाती है, वैसे ही इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। मालूम हो कि यह मामला बीते साल जून महीने का है, जब 400 से अधिक अधिकारियों का तबादला किया गया था, लेकिन गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा हस्तक्षेप कर तबादले को रद्द कर दिया गया था। तब से नए आदेश की प्रतीक्षा की जा रही थी, लेकिन चुनाव आयोग के निर्देश और विभागीय प्रोन्नति के कारण तत्काल इसकी जरूरत हो गई है। बिहार के सरकारी स्कूलों में कूड़ेदान की व्यवस्था अनिवार्य। राज्य के सभी प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त रखा जा सके, इसके लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा निर्देश जारी करते हुए विद्यालय में डस्टबिन रखने को कहा गया है। इस बारे में माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव की ओर से राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर निर्देश जारी कर दिया गया है। वहीं इस पत्र में कहा गया है कि प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के परिसर और शौचालयों की साफ सफाई के लिए हाउसकीपिंग के तहत एजेंसी चिन्हित है। आवश्यक है अपशिष्टों को एक कूड़ेदान में रखने की आदत बच्चों में डाली जाए। इससे बच्चे विद्यालय परिसर में यहां वहां गंदगी फैलाने के बजाय गंदगी को कूड़ेदान में डालेंगे और कैंपस गंदा नहीं होगा। बिहार के भगोड़े शिक्षकों को के पाठक का अल्टीमेटम। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सके, इसको लेकर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा कई फरमान जारी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब विभाग की ओर से ऐसे विद्यालय अध्यापकों को लेकर अल्टीमेटम जारी किया गया है, जिनकी नियुक्ति बीपीएससी के द्वारा आयोजित की गई प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा से हुई थी और अब तक विभिन्न वजहों से विद्यालयों में उनके द्वारा विधिवत रूप से पढ़ाना शुरू नहीं किया गया है। बता दें कि विभाग की ओर से इन शिक्षकों को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। ऐसे अगर ये शिक्षक 7 दिन के अंदर योगदान नहीं करते हैं, तो माना जाएगा कि वे नियुक्ति के उपरांत कार्य करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए उनकी औपबंधिक नियुक्ति पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। आग लगने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत पर सीएम नीतीश ने व्यक्त किया दुख। बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के अरवा पंचायत के वार्ड नंबर 8 में आग लगने से एक ही परिवार के 4 लोगों की झुलसकर मौत हो जाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गहरी शोक संवेदना व्यक्त की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कहा गया कि यह दुर्घटना बेहद ही दुखद है और मैं घटना से मर्माहत हूं। बता दूं कि मुख्यमंत्री के द्वारा मृतक के परिजनों को अविलंब 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया गया था, जिसके आलोक में जिला प्रशासन बेगूसराय द्वारा मृतक के निकटतम परिजन को 4-4 लाख रुपए का चेक उपलब्ध करा दिया गया है। राज्य में 94% गेहूं की हुई बुआई। राज्य में अब तक 94% गेहूं की बुआई हो चुकी है। बता दें कि इस बार बिहार में गेहूं की बुआई का लक्ष्य 25.50 लाख हेक्टेयर है। ऐसे में बीते दिन तक करीब 23 लाख हेक्टेयर की बुआई पूरी की जा चुकी है, जिससे कि अब बिहार सरकार के कृषि विभाग को यह उम्मीद है कि गेहूं की बुआई का लक्ष्य इस सप्ताह तक पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि इस बारे में कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि यदि 1 या 2 सिंचाई की व्यवस्था हो तो जनवरी से पहले हफ्ते तक बुआई कर ले, उसके बाद फरवरी में वसंतकालीन मक्का लगा सकते हैं। इसके अलावा मार्च के महीने में मूंग, उड़द, तिल, जूट और मोटा अनाज लगा सकते हैं। इसके अलावा गड़वा सब्जी भी किसानों के लिए फायदेमंद होगी। बिहार के इन सरकारी वाहनों की होगी ई नीलामी। बिहार सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी गई है, ताकि पुराने सरकारी एवं निजी गाड़ियों को स्क्रैप किया जा सके। बता दें इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जिसके तहत उन गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए चिन्हित किया जाएगा जो 15 साल पुरानी है। इसके लिए ई नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वहीं इसके अलावा खटारा हो चुकी पुरानी निजी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए वाहन मालिक को वाहन पोर्टल पर डिजिटल रूप से आवेदन करना होगा। बता दें कि विभाग के द्वारा एनआईसी को पत्र लिखकर एसओपी के अनुसार
अनुसार सॉफ्टवेयर में संशोधन कर इसे लागू करने का निर्देश दिया गया है। मालूम हो कि 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए राज्य सरकार की ओर से MSTC के साथ MOU किया जाएगा। इसके बाद MSTC पोर्टल के माध्यम से ही वाहनों की नीलामी की जाएगी। पटना से 2 कोरोना के मरीज आए सामने। बिहार में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने लगी है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। इसी कड़ी में अब बिहार की राजधानी पटना से कोरोना के 2 और नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से एक की उम्र 19 साल तो वहीं दूसरे की उम्र 50 साल है। लेकिन इन सबके बीच सबसे अहम बात यह है कि बिहार में अभी संक्रमित मरीजों के सैंपल की जीनोम सिक्वेंसिंग नहीं हो पा रही है, जिस वजह से यह जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही कि बिहार में जो कोरोना के केस मिल रहे हैं वह कोरोना के नए वेरियंट JN1K हैं या नहीं। बता दें पटना के इन दोनों कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन पर रखा गया है। मालूम हो कि अब तक बिहार में 20 से अधिक कोरोना से संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। KK पाठक के खिलाफ 20 जनवरी को भूख हड़ताल पर जाएंगे शिक्षक। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक के द्वारा लिए जा रहे फैसलों से कई शिक्षकों के बीच नाराजगी बनी हुई है। इसी को लेकर अब शिक्षक संघ के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा गया है और साथ ही शिक्षकों की मांग को लेकर 20 जनवरी को KK पाठक के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि सभी शिक्षक बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग में काली पट्टी बांधकर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। शिक्षक संघ की ओर से विभाग के द्वारा जारी किए गए आदेश को वापस लेने की मांग की गई है और साथ ही ऐच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया को आसान बनाने की भी मांग की गई है। इन सबके अलावा शिक्षकों के रिटायरमेंट की सीमा 62 साल करने की भी मांग की गई है। महिलाओं से अपराध के मामले में टॉप 3 राज्यों में शामिल नहीं है बिहार। राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों से यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि वर्ष 2023 में महिलाओं से अपराध के मामले में बिहार टॉप 3 राज्यों के में शामिल नहीं है। बता दें कि वर्ष 2023 में महिलाओं पर हुए अपराध से जुड़े कुल 28,811 शिकायतें मिली हैं। वहीं अगर हम बात करें इन आपराधिक घटनाओं में टॉप 3 राज्यों के बारे में, तो सबसे पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, जहां महिलाओं से जुड़े 16,109 अपराध सामने आए हैं। वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर 2,411 मामलों के साथ दिल्ली है। तीसरे स्थान पर 1,343 मामलों के साथ महाराष्ट्र है। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार इस लिस्ट में 1,312 मामले के साथ चौथे स्थान पर है। वहीं इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर 1,165 शिकायतों के साथ मध्य प्रदेश है। इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक खत्म, इन मुद्दों पर हुई बात। आज यानी कि बुधवार को इंडिया गठबंधन की राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष नेताओं की वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल थे। वहीं मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई है। इसके अलावा इस बैठक में तीनों दलों के द्वारा वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अपने प्लान पर विस्तार से चर्चा भी की गई। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा बिहार के कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को इन सीटों के नाम बता दिए हैं। बिहार की बेटी स्वाति मिश्रा के मुरीद हुए पीएम मोदी। इन दिनों पूरे देश में बिहार की छपरा जिले के रहने वाली गायिका स्वाति मिश्रा का भजन राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी छाया हुआ है। वहीं अब इस गाने के मुरीद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हो गए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक्स पर, जो कि पूर्व में ट्विटर हुआ करता था, उस पर इस गाने को पोस्ट कर लिखा गया है कि श्री राम लला के स्वागत में स्वाति मिश्रा जी का भक्ति से भरा यह भजन मंत्रमुग्ध करने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्वाति मिश्रा के इस भजन पर दिवाली से लेकर अब तक कई रील्स बनाए जा चुके हैं। इस गाने के वायरल होने के बाद स्वाति मिश्रा को देश के विभिन्न राज्यों से स्टेज शो के लिए बुलाया जा रहा है। इसके अलावा उन्हें नेपाल में भी एक कार्यक्रम में बुलाया गया है। लालू यादव और सीएम नीतीश को लेकर गिरिराज सिंह का बड़ा खुलासा। इन दिनों राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। वहीं अब इसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा खुलासा किया गया है। उन्होंने कहा कि यह सब लालू यादव का मकर जाल है, जिसमें वो नीतीश कुमार को फंसाकर रखना चाहते हैं। इनका पहला प्रयोग है कि किसी तरह से नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाए ताकि हमारे गठबंधन में रहें और बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को कोई संयोजक क्यों बनाएगा, कौन सा तीर मार के आए हैं, विधानसभा में कौन सा रामायण करके आए हैं, एक महीने से किसी मंच पर नहीं बोल रहे, तो क्या बिना बोले गठबंधन में रहेंगे। 2025 तक 10 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी। बिहार प्रदेश राजद के राज्य कार्यालय में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर एवं पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण मंत्री अनिता देवी के द्वारा सुनवाई की गई, जिसमें शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया कि शिक्षा विभाग के द्वारा BPSC के माध्यम से परीक्षा लेकर कम समय में परीक्षा फल प्रकाशित करके कीर्तिमान स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक विभाग के माध्यम से 2 लाख से अधिक को नियुक्ति पत्र दिया गया है और आगे भी यह कार्यवाही चल रही है। वर्ष 2025 के बजट सत्र से पहले 10 लाख लोगों को नौकरी देने के वादे और संकल्प को पूरा करने के प्रति महागठबंधन सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। अब तक 5 लाख से अधिक लोगों को नौकरियां दी गई हैं।
चोट के बाद वापसी के लिए तैयार है हार्दिक पांड्या। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के दौरान भारतीय टीम के हरफन मौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए थे। ऐसे में अब उनके द्वारा अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अब क्रिकेट में वापसी करने वाले हैं। दरअसल इस वीडियो में हार्दिक पांड्या जिम में पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा कि प्रगति हर दिन। ऐसे में अब उनके इस वीडियो से यह साफ पता चल सकता है कि वह क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं। हालांकि अब तक वापसी को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ साफ नहीं किया गया है। अब बढ़ते हैं आज के पांच सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है, बिहार एसटीटी परीक्षा के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट कब तक बढ़ी है? ऑप्शन ए 7 जनवरी, ऑप्शन बी 14 जनवरी, ऑप्शन सी 20 जनवरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 7 जनवरी। अगला सवाल, बिहार के भगोड़े शिक्षकों को के पाठक के द्वारा कितने दिनों तक का अल्टीमेटम दिया गया है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 13। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 7। अगला सवाल, बिहार में गेहूं की बुआई का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए 20.50 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन बी 23 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन सी 25.50 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन डी 27 लाख हेक्टेयर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 25.50 लाख हेक्टेयर। अगला सवाल, बिहार में शिक्षकों की रिटायरमेंट की सीमा कितने साल करने की मांग की गई है? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 62। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 62। अगला सवाल, महिलाओं से अपराध के मामले में बिहार कितने नंबर पर है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई 4। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने पंजाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, रवि कुमार राम, सुदल्ला पलवी, गोनर शर्मा, बाबूलाल मरांडी, अनवर करीम खान, मोहम्मद सकी हुसैन, नुन्नो गोलू कुमार, सुदीश कुमार, नौशद राजा, ऋषिकेश सा, राजकिशोर महतो, प्रीति कुमारी, धीरज कुमार, रमन कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में साफ सफाई को लेकर क्या क्या सुविधाएं की गई हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे तो पेज को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।